रुक क्यों गई? बजाओ। मुझसे नहीं बजता। बजेगा, मैं दिखाता हूं कैसे। मुझसे ऐसा क्यों नहीं बचता? मैं आपके जैसे क्यों नहीं बजा सकती? तुम मेरे जैसा बजा सकती हो, कोशिश करो, एक और बार कोशिश करो। नहीं, मुझसे कभी नहीं होगा। मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। मैं आपके जैसे बजा ही नहीं सकती। मैं आपके जैसे बन भी नहीं सकती। तुम मेरे जैसे बन सकती हो, बजा भी सकती हो, कोशिश करो, देखो ऐसे। मैं आपके जैसे नहीं बन सकती। मैं आपके जैसे कभी नहीं बजा पाऊंगी। नहीं बनूंगी आप जैसी मैं। अंजलि, कभी नहीं। आपके जैसे कभी नहीं बन सकती मैं। अंजलि, मुझे कुछ नहीं आता। क्या कहा तुमने? मैं आपके जैसे कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं बन सकती मैं आपके जैसे। मैं आपके जैसे बजा ही नहीं सकती। मैं आप नहीं बन सकती सर, नहीं बन सकती। I'm sorry sir. I'm sorry sir. तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर, जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या
मैं कॉन्सर्ट्स नहीं करता और लॉन्च पार्टीज और पब्लिसिटी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
इस एल्बम के लिए मुझे जो कुछ करना था मैंने किया, और अगर म्यूजिक अच्छा है तो खुद चल जाएगा अपने बूते पर। और रहा मेरा सवाल, मुझे हमारे ये टेप्स नहीं बनाएंगे, मेरे स्टूडेंट्स बनाएंगे, मेरा स्कूल बनाएगा, राइट? या बट आई विल गो नाउ। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, एक छोटा सा सेलिब्रेशन। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऊटी जाना है गाड़ी से, और वैसे भी शराब पी के गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है। चलो विक्रम जी। बोल दे हरमन, बोल दे जो तेरे दिल में, बोल दे। दुश्मन से क्या बोलना? दुश्मन मैं? हाँ तू, दुश्मनी है तुझे मुझसे। मैं विस्की उठा ही रहा था कि तूने रोक दिया। शराब पी के गाड़ी चलाना ठीक नहीं। अरे ये ठीक काम करने का सेहरा हमने ही बांध रखा है क्या? वहाँ अच्छा 5 स्टार का खाना खाते, उस चुट्टे वाले की शराब पीते, पर तुझे तो मौज मस्ती से एलर्जी है। हरमन, तुझे मालूम है कि मैं इन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओए रब तेरा भला करे, तुझे समय बचा के करना क्या है? जितनी दौलत शोहरत जो तूने इतने सालों में कमाई हुई है, उसमें से कुछ कम हो जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा तुझे? इतनी तेजी से पहुंचना कहाँ है? हाँ हरमन, ऐसी महफिलों में मेरा दिल कभी लगा नहीं, और कुछ दिनों से तो दिल कुछ और ही मांग रहा है। क्या? इतने सालों से इतनी मेहनत के बाद जो संगीत की पूंजी इकट्ठी की है ना, मैं वो किसी को सौंपना चाहता हूं। एक बेजान टेप में गा के छोड़ना नहीं चाहता मैं, एक जीते जागते इंसान के दिल में डालना चाहता हूं, ताकि वो संगीत जिंदा रहे, हर मायने में जिंदा रहे, समझा? समझा। अरे इसे क्या हो गया? देखता हूं मैं। ओह नो, गाड़ी गर्म हो गई, पानी डालना पड़ेगा। जा जल्दी से पानी लेके आ कहीं से, जा। मुंह धोने के लिए सर? नहीं, दारू में डालकर पीने के लिए। राइट सर। अगर जल्दी नहीं गए तो वो लोग फादर को बता देंगे। पहले बता देंगे।
जोसेफ, ध्यान से जोसेफ, और सीधा घर जाके काम करना, दारू नहीं पीना। अरे फादर, अपन तो सीधा ही जा रहा था, ये बीच में आ गया। और फादर, पीना तो कब का छोड़ दिया, अभी दारू किधर पीता है? मुझे मालूम है तुमने छोड़ दी है, लेकिन फिर से शुरू मत करना। क्या फादर? Come on, man. Excuse me, priest. David, जल्दी साफ करो, कितना टाइम लगा रहे हो? सर, वो लड़की जो गा रही थी, मैंने जगाने की कोशिश कर रहा था। अब आप उसके कान में बॉम्ब भी फोड़ेंगे तो भी टीना उठेगी नहीं। बहरी है, इतनी अच्छी आवाज और बहरी। बहरी नहीं, थक जाती है बेचारी, दिन में रोज अपने कॉलेज जाती है, शाम को बहन के बार में दारू पिलाती है, ये जोसेफ जैसे डंकर्ट को, फिर रोज चर्च में आके प्रेयर करती, तो सोएगी कब? मैं जबरदस्ती सुलाता हूँ उसे यहाँ अपने पास इस बेंच पे, इस पर बहुत अच्छी नींद आती है इससे। अब कोई भी इसे उठाने की कोशिश करेगा तो मैं उठाने नहीं दूंगा। सर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी, वो लड़की, आप जरा प्लीज उठाइए उसे। आप दो घंटे बात कर लेना, अभी नहीं। तो मुझे ऊटी पहुंचना है, आप उठाइए ना उसे प्लीज, वो क्या है ना। देखो, मैं टीना की नींद नहीं तोड़ने दूंगा, आपको दो घंटे वेट करना ही होगा। कहाँ? रीटा, 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 सुनो तो, प्लीज, दो, get out, Joseph, देखो, दो दिन, get out, please, please, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? Nothing, do it. वहाँ पे चर्च में रोज फादर को बोलता है कि दारू पीना छोड़ दिया, और यहाँ इतनी गर्मी में आके बोलता है कि सर्दी है, दारू दो। अरे कभी तो सच बोला कर जोसेफ। यार रीटा, अब दारू पीने के लिए भी सच बोलना पड़ेगा। Out, please, एक दिन, please, दे दे। जब मैं तेरे डैडी के दोस्त का बेटा है, रीटा, जब तू इतनी सीधी रहे, तेरा डैडी मेरे डैडी को रोज दारू पिलाता था, रोज एकदम फ्री। प्लीज देना, प्लीज देख देना, प्लीज। तभी तो डैडी इतनी उधारी में है, पर अब यहाँ की सरकार बदल गई, समझा ना? अब ये बार मैं चलाती हूँ और यहाँ कोई उधारी नहीं चलेगी। पैसा दो नहीं तो बाय बाय। फुकट में दारू पीने का सबको। स्माइल रीटा, स्माइल। तुम स्माइल करो डैडी, मेरे पास स्माइल करने को टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या है? मैं आपकी बहन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमको कहीं देखा है? ए बॉस को इसको कहीं देखा है ना? यस मैन, इसको किधर तो देखा है, किधर देखा है सीजर? तुम टीवी पे न्यूज़ व्यूज़ पढ़ता है क्या? नहीं, मैं टीवी पर न्यूज़ नहीं पढ़ता, मैं एक टीचर हूँ, संगीत सिखाता हूँ। चर्च में तुम्हारी बहन को गाते हुए मैंने सुना, अच्छा गाती है, लेकिन तैयार नहीं। मेरे स्कूल आएगी तो एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। परसों मेरे स्कूल का नया साल शुरू होगा, मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से फ़ौरन लेकर जाना चाहता हूँ। आप उसका सामान पैक कर दीजिए और किसी से कह दीजिए कि चर्च जाकर उसे उठाए, मैं दो घंटे वेट नहीं कर सकता। क्या करना चाहते हैं आप? मैं तुम्हारी बहन को स्टार बनाना चाहता हूं। लुक सर, हम देखने में स्टूपिड जरूर लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चलता है। एक्सक्यूज मी, लुक सर, टीना मारी हम सबका बच्चा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का गिफ्ट है, उसकी तरफ अगर नॉट गुड नजर से देखा तो हम छोड़ने वाला नहीं है। देखिए मिस्टर, इससे पहले कि हम कोई बुरी बात बोलें या हमारे सीजर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए,
यू प्लीज टेक आवर लीव सर। देखिए आप मेरी बात सुना नहीं आपने, हमारी रीटा ने क्या कहा? फॉर गॉड सेक्स, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूं, लोग मुझे जानते हैं, आई एम वेरी फेमस। विक्रमादित्य सिंह तुम्हारे पास आया है, सुना आपने? विक्रमादित्य सिंह तुम्हारे पास आया है, कोई गहरा गहरा शराबी अय्याश ने। पोस्टर में दिखा है। सॉरी सर, आपको पहचाना नहीं। सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो लवली, सो लवली, सो नाइस, सो लवली। ओ अंकल, ये बहुत बड़े सिंगर है, हमारी टीना को हीरोइन बनाएंगे। आप चर्च फोन करिए ना प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। फोन करो, फोन करो, फोन करो। ओह माय गॉड, बाय फादर। बाय टीना, आई हैव टू रश। संभाल के जाना। या फादर, वो सिंगर भाग नहीं जाएगा। ओके फादर। ओह माय गॉड, माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह जीसस, वो विक्रम जी, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। आप कितना सुपर्ब गाते हो, सो हैंडसम। ओह माय गॉड, 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 हेलो, हाय, हाय, रीना स्पेशल फॉर यू सर। आगे बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू सर, तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं अपने स्कूल। क्या रीटा, रीटा ये पागलपन है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। रीटा शट अप, ये मेरा फैसला है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? रीटा मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाऊंगी, समझी? तेरा काम डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं है, समझी ना? यहाँ पे सब डिसीजंस मैं लेती हूँ, समझी ना? जो मैं कह रही हूँ चुप करके सुन, ये बैग ले और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं? बाहर कौन चलाएगा, पापा का कर्जा कौन चुकाएगा, ये सब तो अकेले करेगी क्या? अकेली कहाँ हूँ मैं, विक्रम जी ने मुझे पूछा कि तेरी जगह बार में कौन लड़की आएगी, उसका कितना खर्चा होगा। मैंने हिसाब किताब लगाया और उन्हें बता दिया कि 58,820 रुपीस। उन्होंने फौरन मुझे चेक दे दिया। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, चलने के लिए यहाँ से। तू मुझे 58,820 रुपीस के लिए भेज रही है? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, फिर बात समझ में आएगी तुझे। पैसे के लिए भेजूंगी मैं तुझे वहाँ पर? अरे तू बड़ी स्टार बन जाएगी, तो उनके पैसे वापस कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं जाऊंगी। ना बड़ा तुझे चांस मिल रहा है लाइफ में, जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, आगे जाने का। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, वापस आने नहीं दूंगी तुझे मैं। मैं नहीं जाऊंगी। वापस नहीं जाऊंगी टीना। अगर तुम कहते हो तो जरूर गा सकती होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम स्कूल के सारे रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ दें। एडमिशन की डेट निकल चुकी है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने कितना कड़ा इम्तिहान दिया है, 2000 में से सिर्फ 20 सेलेक्ट हुए हैं। हम इस लड़की को एडमिशन ऐसे कैसे दे दें? विक्रम, तुमने अपनी और इस स्कूल की रेप्यूटेशन इतने सालों में बनाई है, हम एक ही झटके में उसे खराब कैसे होने दें? तुम भी ना दिव्या, कभी कभी म्यूजिक टीचर कम और ऑफिस मैनेजर ज्यादा बन जाती हो।
पर मेरी एक बात सुन लो, यही वो लड़की है जो मेरा नाम रोशन करेगी, मुझे अमर बनाएगी, सिर्फ उसी में काबिलियत है मुझ जैसा बनने की, मैं बनने की। क्या हुआ? कोशिश कर रही हूँ जलन से बचने की। क्या? सच कहूँ, तुमने जब इस लड़की के बारे में ऐसा कहा तो आग लग गई मुझे। मैं 8 साल से तुम्हारे साथ हूँ विक्रम, जब से स्कूल की पहली ईंट रखी गई थी तब से। तुम्हें मेरे गाने में कभी ऐसी खूबी नजर नहीं आई कि तुम मेरी ऐसी तारीफ कर सको जैसे इस लड़की की कर रहे हो। दिव्या, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, तुम्हारी बुराई नहीं। बी फेयर टू मी, मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया। अपने दिल से पूछो, अगर मुझे तुम्हारे गाने में कोई खूबी नजर नहीं आती तो क्या तुम यहां पर होती मेरे पास, मेरे साथ? लेकिन टीना की पहली वो आवाज है जिसने मेरे जिस्म को इस कदर छुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने उसे चर्च में गाते हुए सुना। इस लड़की में मुझे अपनी तड़प नजर आती है, अपना चेहरा, अपनी परछाई नजर आती है। जैसा मैं कभी था वैसी वो आज है। जो मैं सिखा सकता हूं दिव्या, उसे सीखने की काबिलियत सिर्फ टीना में है। क्या हो गया है तुम्हें विक्रम, वो इतनी भी स्पेशल तो नहीं हो सकती। चलो वो स्पेशल नहीं है, मैं तो हूं ना। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ठान लिया है जिसे तुम पत्थर समझ रही हो उसे तराश के मैं दुनिया का सबसे तेज चमकने वाला हीरा बना दूंगा। ये लड़की बनेगी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। आज इस नए साल की पहली सुबह मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं। हर स्कूल जेल खाने की तरह तुम्हें यह सिखाता है कि कायदा, तालीम, नियम इन्हीं बुनियादी पत्थरों पर खड़ी है हर इंसानी सफलता की इमारत। पर हमारे स्कूल में, विक्रमादित्य सिंह के स्कूल में, हर कायदे को तोड़ा जाएगा। तुम्हें यहां पर हर हद, हर दायरे से आगे निकलने की इजाजत है। यहां मिस्टर क्रूज, दिव्या और मैं, उमा जी, विद्या जी, हम सब टीचर्स और हरमन किताबों से सीखे हुए ज्ञान को संगीत नहीं समझते बल्कि तुम्हारे दिल से निकली हुई आवाज को हम दुनिया का सबसे बेहतरीन गीत मानते हैं। और इस गीत को सुनने के लिए सबसे पहले अपने दिल को आजाद करना होगा। तुम में से हर स्टूडेंट के दिल में एक गीत है, उस गीत को खुलकर बेझिझक गाना होगा। स्वरों के साथ उड़ना होगा, आसमान की बुलंदियों को छूना होगा। तो ठान लो आज अभी कि तुम हर जंजीर को तोड़ के, हर डर को पीछे छोड़ के, हौसले के साथ उस असीम आसमान की तरफ अपना सफर शुरू करोगे और उड़ोगे ऊंचा ऊंचा ऊंचा। हेलो सर। टीना, जिस तरह बंद कमरे में इंसान को जब घुटन का एहसास होने लगता है तो वो खिड़कियां खोल देता है, उसी तरह मोजे में बंद अंगूठे को जब घुटन का एहसास होता है तो वो मोजे को फाड़ के बाहर आ जाता है। अब सांस तो लेनी पड़ेगी ना।
अब देखो ना इस अंगूठे को, इसे कोई चाहे जितनी भी तीखी नजरों से देखे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी जगह बना ली है। किसी के कहने से इंसान छोटा नहीं होता, अगर छोटा होता है तो खुद अपने एहसास से। तुम्हारे इजाजत के बिना कोई तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं, तुम्हारे में अगर कमी है तो सिर्फ आत्मविश्वास की। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपने आप से कहना कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। बोलो 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 बोलो, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। सब स्टूडेंट्स अपने सामने रखे हुए संगीत के स्कोर्स को पढ़ेंगे और जो लिखा है उसे बजाएंगे। क्या है, क्या देख रही हो? अपना स्कोर पढ़ो। क्या म्यूजिक पढ़ना नहीं आता क्या? मुझे ये सब नोट्स ना कीड़े मकोड़ों जैसे दिखते हैं। रिया, क्या इसको म्यूजिक पढ़ना नहीं आता? पर जो काम इसको आता है ना, वो और किसी को नहीं आता। अच्छा, क्या? ड्रिंक्स ड्रिंक्स। बार में शराब पिलाती है, बार में ड्रिंक्स बनाती है, बहुत अच्छे ड्रिंक्स बनाती है। इसकी सारी फैमिली भी ड्रिंक्स बनाती है। really? सच्ची पागल है? Yeah. You want one? Yeah. One bloody Mary, please. Here's your bloody Mary. हरमन उसे पानी दे। सच में चोट लगी है या खामखा पट्टी बांधे फिर रहे हो? विक्रम तुम भी। अकीफ 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 अकीफ, लो पानी पी लो, मेरी बात सुनो। अगर मैंने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा होता या तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जत करता तो क्या तुम मुझे घूंसा नहीं मारते, मेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। विक्रम तुम कहना क्या चाहते हो? ये म्यूजिक स्कूल है, कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं जहां मारपीट हो। यहाँ हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, किसी का मुंह नहीं तोड़ते। I know that, दिव्या, मैं जानता हूँ। लेकिन शायद ये सब इस बेचारी को मालूम ही ना हो। I mean, इसकी क्या गलती है? ये जहाँ से आई है, वहाँ की आदतें, वहाँ का माहौल यहाँ से बहुत अलग होगा, है ना? संगीत की दुनिया के बारे में, यहाँ की तहजीब और तौर तरीकों के बारे में इसे क्या मालूम? That's why we are here. इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं इन्हें सिखाने के लिए, वरना हमारी क्या जरूरत है? लेकिन विक्रम, म्यूजिक सीखने के लिए उसकी ABCD तो आनी चाहिए। टीना को तो कुछ मालूम ही नहीं, इसे तो सरगम के स्वरों का भी ज्ञान नहीं, इसे कोई क्या सिखाएगा? टीना, टीना कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ सर। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है सर। दिव्या मैम ठीक ही कह रही है, जब मुझे म्यूजिक पढ़ना ही नहीं आता तो मैं कुछ बजाऊंगी कैसे, गाना गाऊंगी कैसे? मैं बताता हूँ ना, बजाए
चटनी दिन में सब गाए इनको सर इनको तार इनको दी किसने सिखाए ये जो शागिर्द है ना टीना एक ना एक दिन तेरे जैसी बन के ही रहेगी क्यों तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे कान भर दिए क्या ओए रब तेरा भला करे भगवान दुनिया चलाएंगे कि मेरे कान में आकर फुसफुसाएंगे मैं तो ये कह रहा था पुत्र जिस तरह से तू धुन बनाते वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी में मशगूल हो जाता है वैसे ही वो भी घंटों से क्लासरूम में न जाने क्या कर रही है बजाए जा रही है बनाए जा रही है बन गई क्या दुनिया की सबसे अच्छी धुन मैंने बनाई है अच्छा आप सुनेंगे सर मैं आपको धुन सुनाऊं हाँ हाँ सुनेंगे क्यों नहीं क्यों नहीं अरे 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 सॉरी सर अरे अरे संभाल के I'm sorry it's really good it's really nice अरे अरे देख इंट्रोडक्शन तो कमाल का है May I? Of course. बहुत अच्छा बेटी बहुत अच्छा बजा तूने हरमन बाहर जाओ झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए बर्बाद हो जाते हैं लोग बकवास एकदम बकवास हाँ? तुम्हारी ठोकरें ये जो चीजें तुमने गिराई उसमें ज्यादा संगीत था जोर जोर से हाथों का चलाना और ऊंची ऊंची आवाजें निकालना इसे संगीत नहीं शोर कहते हैं सर लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी इस धुन पर मेरे दिल से निकली थी ये धुन सा दिल अभी तक तो तुमने अपने दिल की ऊपरी तह तक को नहीं छुआ है और टीना अच्छी धुन बनाने के लिए दिल की गहराई में उतरना पड़ता है मैं समझी नहीं सर
मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूं। देखो इन सबको देखा, कुछ सुना नहीं तो? आओ, देखो। क्या कबूतर? बेवकूफ। दिल की गहराइयों में बसी धुन इन पंछियों की तरह है, उसकी तरफ इसी तरह तबे पांव जाना होता है। ज्यादा शोर शराबा किया तो वो गायब हो जाते हैं इन पंछियों की तरह, समझी? और इसी तरह सब कुछ शांत हो जाए, जब दिल की धड़कनों के सिवाय और कुछ ना सुनाई दे, तब उन धड़कनों को सुनो, उनमें छिपा जो प्यार है, जो सुर है, उसी में से निकलता है कि जब धुन बनाओ तो सिर्फ अपने दिल के खातिर, जो दिल को अजीज है उसके खातिर और किसी के नहीं। Give me a song, Mother Mary. जो मैं दिल में जाके
बहुत अच्छा गीत था और तुम गाती भी बहुत अच्छा हो। चलो मैं भी अपनी गलती मान लेती हूँ। तुम्हें तो बिना कुछ सीखे ही बहुत कुछ आता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम स्कूल में कर क्या रही हो। विक्रम हम इसे सिखाएंगे क्या? कम से कम मेरे पास तो तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं। विक्रम तुम औरों के लिए गीत बनाते हो, उन्हें बोल गा के सुनाते हो, फिर भी वो अक्सर गा नहीं सकते। लेकिन टीना, टीना तुम्हारा गीत, तुम्हारी धुन, तुम्हारी गायकी, विक्रम तुम ठीक कहते थे, टीना में वाकई कोई बात है। गुड। तो दिया अच्छा था, तालियां भी बजे और क्या भी मार्क्स। मैं तुम्हें तुम्हारे गाने के लिए देता हूं 7/10 बस में से 7। थैंक यू सो मच। इसमें इतना खुश होने वाली बात कौन सी है? 7/10 मिले, नॉट 10/10। तुम्हारी मंजिल काफी दूर है, तुम्हें 10/10 बनना होगा। नहीं सर, सर मैं 8/10 बन सकती हूँ, 9/10 बन सकती हूँ, लेकिन 10/10 कभी नहीं बन सकती। 10/10 तो सिर्फ आप है सर, सिर्फ आप। तुम्हें भी बनना हो 10/10, तुम्हें मैं बनना होगा। और टीना तुम बन सकती हो, तुम विक्रमादित्य सिंह बन सकती हो। एक बात तो साबित हो गई कि हुनर जो है वो इंसान के खून में बसता है, डाला नहीं जा सकता। अब उस शराब खाने में उस छोटी सी बच्ची के अंदर किसी ने हुनर डाला क्या? अपने आप ही पैदा हुआ होगा। देख क्या रहा है, टीना की बात कर रहा हूं। 19 साल की उम्र में बिना सीखे बिना सिखाए क्या यादगार गाना बनाया है उसने। अरे मैं तो कहता हूं उस्तादों को सीखना चाहिए उससे। क्यों, 19 साल की उम्र में मैंने कुछ नहीं किया था? अब इतनी पुरानी बातें किसे याद है। ताजा खबरों के अनुसार सारी रात जागकर भी कुछ नहीं हुआ, ना ही यहां धुन बन रही है और ना ही वहां उस बच्ची की तारीफ की गई। क्या सही कह रहा हूं? कल टीना को शाबाशी दे देता तो आज सुट्टे वाली के लिए कागज जाए किए बिना ही धुन भी बन जाती। तुम किस हैसियत से मुझे ये लेक्चर पिला रहे हो? ना ही संगीत के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, ना ही तुम मेरे बॉस हो। ओ ऊपर वाले, कभी कभी तेरी मौजूदगी पे मुझे शुबा होने लगता है। कहां बॉस बनाना चाहिए था मुझे और कहां बना दिया इस तंग दिल को। क्या ये टीना के पास? शायद वो ही कुछ मदद करे आपकी, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। जा
इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, चलो। उनके लिए धुन तो तैयार कर ली है ना तुमने? हाँ। हाय। हे। गुड मॉर्निंग यशोमिंदी, कैसे हैं? कांग्रेचुलेशंस विक्रमादित्य, यू हैव डन इट। यू वर सो राइट। आपका संगीत अपने ही बलबूते पर कामयाब हुआ है। आई मीन इट्स सच ए ह्यूज हिट। फिल्मी गानों की भीड़ में पहली बार या नॉन फिल्मी एल्बम इतना ज्यादा फेमस हुआ है, एंड दैट विदाउट एनी पब्लिसिटी। वाओ, इट इज जस्ट यू नो माइंड बॉगलिंग। हां, अच्छी धुन को कोई पीआर और पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लोगों के दिलों में अपना मकान ढूंढ ही लेती है। हां, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, प्लैटिनम हिट किया, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट अगेन, आई एम श्योर। यस, आई एम श्योर। जो नई धुन आप हमें आज सुनाने जा रहे हैं वो भी सुपर हिट होगी। प्लीज इफ यू डोंट माइंड अभी कुछ गा के सुनाइए ना, म्यूजिक रूम में तो हम सुन ही लेंगे। प्लीज बैठे ना आराम से, आई एम जस्ट वेरी इंपेशेंट। विक्रम, टीना स्टूडेंट है हमारी, बहुत अच्छा गाती है। आप जान गए होंगे कि मैं इधर आने के लिए क्यों बेताब रहता हूँ। सारे स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अब स्टूडेंट्स का टेम्परमेंट देखकर उनके टैलेंट के हिसाब से गाना लिखना पड़ता है, उसके बोल लिखने पड़ते हैं, वो रियाज करते हैं। तभी आप पर ऐसा असर होता है। मुझे अमर आपके टेप्स नहीं, मेरे स्टूडेंट्स करेंगे। खैर चलिए, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालिए। यस। एक्चुअली मैं उस लड़की का गाना सुनना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड आप लोग कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस कीजिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, जस्ट अ मिनट, सॉरी। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। आपके असिस्टेंट के सहूलियत के हिसाब से मैं धुन नहीं सुना सकता। आप कॉन्ट्रैक्ट दिव्या जी से डिस्कस कर लीजिए और अपने असिस्टेंट से पूछ लीजिए कि मेरे बजाय शायद वो मेरे स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है क्या। हे, दैट्स अ गुड आइडिया। आइडिया बुरा नहीं है, वो लड़की अच्छा गाती है, उसे साइन कर सकते हैं। यस, अच्छा। कुछ गलत कहा मैंने? इतने सालों से इस बिजनेस में हूँ, आज तक नहीं समझ पाया ये आर्टिस्ट कब किस बात पे बुरा मान जाए। कोई बात नहीं, ये कलाकार होते ही ऐसे हैं, मूडी और टेम्परमेंटल। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद विस्की पीने का दिल कर रहा है। कोई कानून है, कोई नियम है कि कौन किस वक्त कितने दिन बाद क्या कर सकता है? ओए रब तेरा भला करे, मैं तो पूछ रहा था कि मूड ऑफ क्यों है तेरा। क्योंकि आप खड़े खड़े मेरे सर पर बकबक किए जा रहे हैं। चुपचाप खड़े रहने में तकलीफ होती है तो जाइए ना यहां से। What's wrong, विक्रम? क्या हो गया है तुम्हें? What's wrong with me? क्या हुआ है मुझे? आज सुबह से तुम उखड़े उखड़े से लग रहे हो, और नॉर्मली जब कोई गा रहा होता है, खास करके तुम्हारे स्टूडेंट्स, तो अगर गलती से कोई खांस भी दे तुम उसे फौरन कमरे से निकाल देते हो। और आज जब मेलोडी हाउस वाले आए थे और टीना गाने लगी तो तुम खुद ही बोले जा रहे थे। What's the matter, विक्रम? Yes? विक्रमादित्य सिंह जी, एक्चुअली आपको गुड न्यूज देनी थी। आप मजाक में सजेस्ट कर रहे थे ना कि क्यों ना हम उस लड़की के साथ, I mean to say, आपकी स्टूडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना उसे एक चांस दिया जाए आपके साथ गाने का आपकी नेक्स्ट एल्बम में। टीना मेरे साथ गाएगी? जी, देखा हम आपके मजाक को भी कितना सीरियसली लेते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स पर कितना नाज है, तो हमने सोचा कि इसी बहाने उनका टैलेंट भी दिखा देंगे और आपके स्कूल का भी प्रमोशन हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट्स ब्रिलियंट? आप प्रमोट करेंगे मेरे स्कूल को? जी।
मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। टीना भी तैयार नहीं, उसे रियाज की जरूरत है। हाँ तो आपसे अच्छा कौन ट्रेन कर सकता है उसे? क्या गाना है, कैसे गाना है, ये आप डिसाइड कीजिए, आपकी स्टूडेंट है। पर हमारे स्टैंडर्ड से तो शी इज परफेक्ट। पता है अभी तक उसकी आवाज गूंज रही है मेरे कानों में। आई मीन शी वाज जस्ट ब्रिलियंट। हमारे हिसाब से तो उसे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। बट द डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। क्या हुआ विक्रम? भूचाल आ गया है, तहलका मच गया है। सुकून से एक आदमी अकेले में बैठ नहीं सकता है। यह जरूरी है कि कुछ ना कुछ हुआ ही हो। तुमने और हरमन ने मुझे एक ट्रांसिस्टर से समझ लिया, स्विच दबाया और बस ऑन हो गया मैं। विक्रम मुझे लगा था कि तुम खुश होगे। तुम टीना के लिए यही चाहते थे ना कि वो बहुत बड़ी स्टार बने, बहुत बड़ी सिंगर बने। या कैन आई डिसाइड मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, मुझे किस बात से खुशी होती है और किस बात से नहीं? Or is that too much of a problem for you? I'm sorry, Vikram. That's not what I meant. मैं थक गया हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो रहा है ये सब? ये सब तुम लोग सीखते हो या? नहीं सर, वो दिव्या मैडम के आने से पहले हमारी टीना मैडम की क्लास चल रही थी सर। ये म्यूजिक नोट्स टीना ने लिखे हैं। और सर, ये नोट्स नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। क्या ये सब? सर हम सब मजाक कर रहे थे। मजाक? संगीत मजाक नहीं है, समझी तुम? जो चीज नहीं आती है तुम्हें उसे जाकर सीखो। इस जहालत को अपने सिर का ताज बनाकर इतराओ मत। जो कुछ सीखा है वो भी भूल जाओगे। I'm sorry, sir. और तुम रईस जादव, अगर तुम्हें म्यूजिक स्कूल और चिड़ियाघर में फर्क नहीं लगता है तो जाकर जू में भर्ती हो जाओ। ये सब यहां नहीं चलेगा। जाहिर है तुम्हारा मन आज संगीत में नहीं है, तुम्हारा मन कहीं और है, तो वहां चले जाओ। जाओ।
रुक क्यों गया पुत्र? बचा बचा, रब तेरा भला करे पुत्र। अब समझ में आया कि तू नाराज क्यों हो रहा था। तेरे दिल और दिमाग में ये गीत चल रहा होगा और मैं बेवकूफों की तरफ बड़बड़ किए जा रहा था। अगर मुझे पता होता कि तू ये धुन बना रहा था तो मैं अपनी जुबान ही काट लेता। इतना अच्छा है ये गाना? बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज एक नए विक्रमादित्य सिंह का जन्म हुआ है। और पता है पुत्र, इस नए कलाकार के सामने वो पहले वाला विक्रमादित्य कुछ पुराना सा लगता है। बहुत अच्छा टीना, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आ भीजा, वाह वाह, ये गाना तुम सर को सुनाओ, कल का सारा गुस्सा भूल जाएंगे। You really think so, Keith? Of course, टीना, it's a lovely song. शायद सर भी ऐसी धुन नहीं बना पाए। Shut up, Keith. Don't talk rubbish. सर ऐसी धुन अपनी नींद में बना सकते। Good morning, sir. सर, कल की गलती के लिए माफ। सुबह सुबह मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। मेरी अगली एल्बम में टीना तुम मेरे साथ एक गाना गाओगी। आज सवेरे मेलेडी हाउस फोन करके पूजा से बात की, कहा कि तुम्हारी जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट को एक मौका मिलना चाहिए। पहले वो चौंक गई क्योंकि मैंने पहली बार जिंदगी में इतनी बेझिझक सिफारिश की एक स्टूडेंट की। बाद में मान लिया। परसों वो लोग आ रहे हैं मेरा पहला गाना सुनने। हम लोग एक रफ रिकॉर्डिंग करेंगे, तुम उसमें थोड़ा वायलिन बजा लेना, गा भी लेना। बताओ सर, मैं आपको मेरा एक गाना सुनाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो? वो गाना तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। शायद उसी सुबह मुझे वो गाना सूझे। मैं तुम्हारे साथ रिहर्स नहीं कर पाऊंगा टीना, इसलिए तुम खुद रियाज करो और रिकॉर्डिंग के दिन तुम कॉन्फिडेंस के साथ दिल से। लेकिन सर, मुझे पता नहीं मैं ऐसे गा पाऊंगी कि भी नहीं। तुम्हें गाना होगा और अच्छा गाना होगा। मुझे नाकामयाबी से बेहद नफरत है, मैं बहुत घमंडी इंसान हूं टीना, और नीचा दिखना नहीं चाहता। तो प्लीज डोंट फेल मी। थैंक यू सो मच मदर, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। आज सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ गा सकूं। प्लीज हेल्प मी मदर, वो जो चाहते वो मैं पूरी तरह से कर सकूं। लेकिन मुझे डर लगता है, मेरी वजह से उनकी कोई बेइज्जती मत होने देना। मेरी वजह से उनका सर कभी नीचा मत होने देना। प्लीज हेल्प मी मदर, प्लीज बी विद मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अब स्टूडेंट खुद टीचर बन गई है। अब इस टीचर के साथ बजा के दिखाओ। गुड
म्यूजिक जो सिखाया था भूल गई। मुझे नीचा मत दिखाना, डोंट मेक मी लुक लाइक अ फूल। बजाओ। जाएगी तो वो यहां आ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। वो तुझसे बात करना चाहता है। नीना, देखो अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मुझे कुछ करना पड़ेगा।
कहाँ गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? हम सब रिकॉर्डिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पिछले 4 घंटे से कहाँ जाकर बैठ गई थी? इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई जितनी आज हुई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम में गाने की हिम्मत नहीं थी तो कम से कम वहां आकर अपनी सच्चाई का सामना तो करती, ऐसे कायरों की तरह अपनी हार से भाग के। सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकती तुम। क्या देख रही हो? देख क्या रही हो मुझे? आओ इधर आओ, आईने में देखो, देखो आईने में, देखा? देखो अपनी नाकामयाबी की शक्ल। This is the face of a failure. I'm sorry, sir. मौका, जो मौका मैंने तुम्हें दिया, नसीब वालों को नसीब नहीं होता है। 1 एकड़ से कई ठोकरे खाने के बाद मुझे जब मौका मिला था, जानती हो, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी गायकी पर शक करते थे, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने उन्हें ऐसा गीत सुनाया जो उन्होंने ना पहले कभी सुना था और ना कभी जिंदगी भर सुनेंगे। और आज भी इतने सालों के बाद मेरा एक गीत सबके गीतों से 1000 गुना बेहतर है, और एक तुम हो जिसमें मुझे इतना नाज था। मैं क्या? मैं अब नहीं हूं सर। मैं जानता हूं कि तुम मैं नहीं हो, पर मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता था। मैं तुम्हें मैं बनाना चाहता था। कितनी मेहनत की है मैंने तुम पर, मैं संगीत का निचोड़ डाल दिया तुमने। तुम टीचर बनना चाहती थी, अपना म्यूजिक सुधारने के बजाय तुम दूसरों को सिखाने लग गई। तुम मेरे जैसे कैसे बन सकती हो? मैं अब नहीं बन सकती सर। I'm sorry. रुको टीना, कहाँ जा रही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रुको। मैं अब नहीं बन सकती सर, नहीं बन सकती। गलती मेरी थी। मैं तुम्हें स्टार बनाना चाहता था। इन लोगों के सामने गा बजा के इनकी वाहवाही लूटने से तुम स्टार नहीं बन सकती। You'll never be a star. टीना रुको। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात सुनो। When I'm talking to you, listen to me. Okay, but let's go. Tina, you'll never be famous. Get back inside. Yo, sab ke sab. Tina, zindagi par kuch nahi banegi aur tum sab dekhte rehna. Tina, you'll never be famous. You'll never be a star. Meri baat suno. Meri baat suno. Tumhe meri baat sunni padegi. Tina, you're a failure. Tumhe mujhe kya dikhaya? तुम कभी कुछ नहीं बनोगी टीना। You made me look like a fool. You're a failure. Tina, you're a failure. तुम कभी स्टार नहीं बनोगी, कभी कभी स्टार नहीं बनोगे। तब मैं चौंक गई हूँ। मेरी बात खत्म नहीं हुई, रुको। You're a failure. You're a failure. You're a failure. Hello. नहीं नहीं, वो ऐसे बोल ही नहीं सकती है, वो ऐसे सोच ही नहीं सकती है। उसे कह देना मैं आ रहा हूँ। ऐसा होने नहीं दूंगा, फिर से होने नहीं दूंगा। विक्रम, टीना का बुरा हाल है, प्लीज उसे बात करो। विक्रम प्लीज, उसे जाकर रोको, नहीं तो वो चली जाएगी। विक्रम अगर तुम उसके पास नहीं गए तो वो चली जाएगी। विक्रम, अरे जाती है तो जाने दो, ये धमकियां नहीं चलेंगी मेरे साथ। ऐसे भी जाएगी का? जब अकल ठिकाने आ जाएगी ना तो देखना, खुद ब खुद लौट आएगी वो। सॉरी बोलने। आ भी जा है सुबह, आ भी जा है सुबह। Cheers sir, 75 lakh cassettes बिकने पर। Cheers.
Cheers to Mr. Vikram Aditya Singh. आप तो महान भगवान है, आप भगवान. What a beautiful song, ना? अभी जा ए सुबह. What a beautiful tune. सर, कहां से आई ये धुन? ये खूबसूरत धुनें कहां से आती है सर? आपके दिल से? ये आपकी किसी जेब से? जरूर आपके पास कोई चोर पॉकेट है जिसमें. मैम, मैम, आज आज हमें पीने दीजिए मैम. आज हमारे महान सर की नई कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है. मुझे तो एंजॉय करना है. योर ग्रेट सर, इज ग्रेट, इज ग्रेट. मुबारकबाद के इतने सारे फूल. अकीफ को होश आ गया. माफी मांग ली उसने. उसे कोई पछतावा नहीं है. निकाल दो उसे स्कूल से. वो खुद ही जाना चाहता है. कह रहा था कल सुबह निकल जाएगा. जाता है तो जाने दो. और भी स्टूडेंट्स है मेरे पास. एक अकीव और टीना के जाने से स्कूल बंद नहीं हो जाएगा. मेरी तरफ से एक राय जरूर दे देना. बोलना उसे जाए अपनी टीना के पास और मिलकर एक कच्चा पक्का बैंड बनाए और अपनी बहन के बार में जाकर बैंड बजाए. कुछ आमदनी होगी. कहाँ है मेरी बोतल? कहाँ रख देता है वो हरमन मेरी बोतल? विक्रम, थैंक यू. विक्रम, क्या जब तुम्हारा शराब से जी भर जाए और ये फूल मुरझा जाए, जब तुम्हारे कानों में लोगों की तालियों का शोर खत्म हो जाए, तब खामोशी में वो बात जो तुम खुद से भी कह नहीं पा रहे हो, उसे सुन जरूर लेना. प्लीज. क्लास का टाइम हो गया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है. मैं खुद उठ सकता हूं. Thank you.
देख क्या रहे हो? कॉफी है कॉफी, पियो। जब होश में आ जाओ तब बच्चों को होश में लेक्चर देना। खुद तो लड़खड़ाते हैं और बच्चों को सीख देंगे। अमन, अब तबीयत कैसी है? मुझे पता नहीं, आप खुद ही जाकर पूछ लीजिए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। विक्रम जी, हाउ यू फीलिंग? आर यू फीलिंग ओके? व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी? ऑफ कोर्स आई एम ओके। मुझे क्या हुआ है? तुमसे मिलने कोई आया है, मैं उनसे कह देती हूँ बाद में आए। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम नहीं मिल सकते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? किसने कहा मैं किसी से नहीं मिल सकता? मैं किसी से भी मिल सकता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी। कौन मुझसे मिलने है? विक्रम कौन है? मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। मैंने कहा था ना, दिमाग ठिकाने आएगा तो माफी मांगेगी। खुद आने की हिम्मत नहीं होगी, बहन को भेज दिया। हेलो रीटा, कैसी हो? मैं आपको सॉरी कहने आई हूँ, और थैंक यू भी। हाँ। वो टीना को आपने इतना बड़ा चांस जो दिया, मुझे तो शुरू से ही डाउट था। चर्च के क्वायर में गाना ठीक है, लेकिन माइक पे आपके साथ, वो गाना कितना अच्छा था आपका, आपने कितना अच्छा गाया था वो। आप भी जा, मेरी टीना इतना अच्छा कहाँ गा सकती है। आई एम सॉरी, आपने कितना टाइम और मनी वेस्ट किया उस पर। टाइम का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये देने आई थी। ये क्या है? चेक। चेक? हाँ, 58,820 रुपीस। पता है, इस चेक को लेकर पापा के साथ झगड़ा हो गया। कहने लगे पैसा वापस करने की क्या जरूरत है, तो मैंने कहा नहीं, हमारे भी तो उसूल हैं, उधार देने का नहीं और लिया तो रखने का नहीं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, आपको बहुत खुशियां दी। इतना घमंड, खुद नहीं आई, चेक भेज दिया मुझे जलील करने के लिए। अरे गलती की है, माफी मांग लेती। इनका भविष्य सुधारने निकला था मैं। देख लेना दिव्या, ये लड़की कभी जिंदगी में कुछ नहीं करी, सड़ती रहेगी बार के अंदर। मैंने उसे इतना बड़ा चांस दिया। बहुत हो गया, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते विक्रम? कब तक उससे मुंह छुपाते रहोगे तुम? गलती टीना की नहीं है, गलती तुम्हारी है विक्रम। कभी दूसरे के नजरिए से देखो तो अपनी गलती भी समझ में आती है। टीना ने अकड़ नहीं दिखाई है विक्रम, अकड़ तुम दिखा रहे हो। मुझे टीना के भविष्य की फिक्र नहीं है विक्रम, मुझे तुम्हारे भविष्य की फिक्र है। क्योंकि टीना नहीं सड़ेगी, सड़ोगे तो तुम विक्रम, तुम सड़ोगे। सर आप? मैं टीना को वापस लेने आया हूं। टीना तो यहां नहीं है। यहां नहीं है तो कहां है?
रह गया? ये सब क्या कर रही हो? विक्रमादित्य सिंह? रीटा क्या कह रही है? आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रीटा क्या कह रही है? तुम नन बनने जा रही हो? हाँ, मैं नन बनना चाहती हूँ। अरे तुम नन नहीं बनना चाहती हो? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम स्टार बनना चाहती हो? तुम नन नहीं बन सकती, ये ठीक नहीं है। सुनो टीना, तुम गाना चाहती हो, तुम नन नहीं बन सकती। प्लीज टीना, तुम मेरी बात सुनो। टीना तुम गलत कर रही हो। टीना मेरी बात सुनो, तुम नन नहीं बनना चाहती। टीना एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर, यू कांट गो इनसाइड। अंदर सिर्फ सिस्टर्स जा सकती हैं। प्लीज आई एम वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। जान था खोया है तूने जो है दिल, वही तो रूह था जान था। दिया मैंने जिसे किस्मत थी मेरी, कुदरत ने जो बख्शी थी वो दौलत थी मेरी। ठुकरा दिया मैंने जिसे किस्मत थी मेरी, कुदरत ने जो बख्शी थी वो दौलत थी मेरी। खोया है तूने जो है दिल, वही तो रूप था जान था। कातिल हूँ मैं, मुजरिम हूँ मैं, दुश्मन खुद अपना। जलता हूँ मैं मुझ में, मेरी जलती है दुनिया। कातिल हूँ मैं, मुजरिम हूँ मैं, दुश्मन खुद अपना। जलता हूँ मैं मुझ में, मेरी जलती है दुनिया। खोया है तूने जो है दिल, वही तो रूह था जान था। खोया है तूने जो है दिल, वही तो बर्बाद कर दी। बात शायद इतनी सीधी नहीं है विक्रम, जितनी नजर आ रही है। She stopped singing, दिव्या।
वो अपने भगवान के लिए भी नहीं गाती है। इतनी गहरी चोट पहुंचाई है मैंने उसे। मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। विक्रम, लोग वो क्यों करते हैं जो करते हैं? जिंदगी हमारी इच्छाओं के अनुसार क्यों नहीं चलती? इन सब सवालों के जवाब मुझे कभी नहीं मिले। टीना के टूटे हुए दिल में सिर्फ चोट नहीं है विक्रम, गहरा प्यार भी है तुम्हारे लिए, और वो उस प्यार से भाग रही है। तो मैंने भी उससे कहां नफरत की है, मैंने उसे प्यार ही तो किया है। वो मेरे दिल का हिस्सा है दिव्या। तो जाओ विक्रम, रोको उसे इस खुदकुशी से। जिस जुनून के साथ तुम उसके संगीत और उसके टैलेंट के साथ लड़े थे, उसी जुनून और उसी अटूट इरादे के साथ उसकी जिंदगी को बटोरो। उसे प्यार दो विक्रम, वो तुम्हारे प्यार की प्यासी है। तुम इतने महान कलाकार होकर इतनी सीधी सी बात नहीं समझ पाए? और विक्रम, तुम स्कूल की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें जितने दिन वहां रुकना है तुम रुको। 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सेकंड इन कमांड, और फिर जिसके पास हर्मन है उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। तुम जाओ विक्रम, और वक्त मत बर्बाद करो। तुम्हारा दिल जो तुमसे मांग रहा है उस ख्वाहिश को पूरा करो विक्रम। जाओ। नाचने का मन करता है। नाइस ट्यून, हाँ? पसंद आया गाना? हाँ? दिल को खुशी मिली? Yes! ये टीना का गीत है। क्या? हाँ, और ऐसे बहुत सारे गीत हैं इसके दिल में। Hey Tina, superb song, I love it. Tina, ये टीना बिना बड़ी मूडी है, बिना वजह गुस्सा हो जाती है। चल। वजह है सिस्टर, एक बहुत ही बड़ी वजह है सिस्टर। आप टीना की बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ? और मेरी फैन भी हो। हाँ? और गॉड का काम भी करना चाहती हो। ऑफ कोर्स। सो प्लीज मेरे साथ एक 5 मिनट के लिए आइए। रीटा स्पेशल फॉर सिस्टर एंजेलिना। सिस्टर, मैंने आपको यहां पर एक खास बात कहने के लिए बुलाया है। कौन सी बात? नहीं बताऊंगा तो भी नहीं मानेंगी आप। यहां बुला के भी नहीं बताओगे? बताओ। सिस्टर, टीना आपसे झूठ बोल रही है। नहीं 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 नहीं, कौन सा झूठ? वो नन नहीं बनना चाहती। व्हाट रबिश! मैंने बताया ना कि आप मानेंगी नहीं। लेकिन आपको कैसे पता? अब किसी को कुछ भी कैसे पता होता है? अब सूरज क्यों है? सबको लाइट देने के लिए। और फूल? खुशबू फैलाने के लिए। झरना क्यों बहता है? सबको पानी देने के लिए। और चिड़िया क्यों चहचहाती है? सबको मीठी गुड मॉर्निंग करने के लिए। ये सब आपको कैसे मालूम? Because God wanted it. उनकी मर्जी थी। Exactly, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर बैल गाने लग जाए और शेर मिमियाने लग जाए, झरने उड़ने लगे और पंछी झड़ने लगे, अगर दिन रात हो जाए और रात की कोई औकात ना रहे, मैं आप बन जाऊं और आप योसेफ। ऐसे थोड़ी होता है, कोई कुछ भी करेगा क्या? गॉड ने सबको काम दिया है, सबको वही करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ सिस्टर, वही मैं कह रहा हूँ। गॉड ने टीना को गाने के लिए बनाया है। टीना के गीतों से गॉड अपनी दुनिया सजाएगा। सोचो सिस्टर,
कुछ और कैसे कर सकती है? गार्डनर आपको क्यों बनाया? क्यों? ताकि इस नेक काम में आप मेरी मदद करें, वरना वरना आप तो जानती हैं सिस्टर, जो गॉड की बात नहीं मानते वो नर्क में जलते रहते हैं, जलते ही रहते हैं, उन्हें प्यास लगती है मगर पानी नहीं मिलता है। का है वो ही
क्या बजा रहे सर? तुम्हारे लिए एक धुन बजा रहा हूं जो कल रात मेरे सपने में आई थी। अरे तुम्हारे सपने में भी आई थी क्या? मेरे सपने में तुम मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने सपने में भी तुम गुस्से में बैठी थी क्या? नहीं। ओ, खुश थी? गाना गा रही थी? मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा सा। मैं सब जीसस के सपने देखती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ! भोली भाली प्यारी सिस्टरों के सामने झूठ, अपने आप से झूठ, भगवान के सामने झूठ, झूठ। अब क्यों मेरे पीछे पड़े सर? अब क्या चाहते? वही जो तुम चाहती हो, तो तुम गाओ। लो, बजाओ। नहीं सर, गाना मुझे नहीं आता। मैं ये सब कुछ भूल चुकी हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। टीना, टीना, सर देखिए, आपको यहाँ अलाउड नहीं है। एक बार कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, सिर्फ एक बार। प्लीज सर। नहीं, देखो, देखो, ऐसे, ऐसे, देखो, 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 ऐसे। परेशान कर रहे हैं। तुम खुद को भूल सकती हो टीना, पर संगीत को नहीं भूल सकती। It's not fair, sir. It's not fair. Sisters, sisters, देखो, she's not forgotten anything. टीना को सब कुछ याद है, उसे संगीत याद है। टीना की जिंदगी में संगीत वापस आ गया। सिस्टर्स, अब टीना को क्या नहीं होगा? आप यहाँ अलाउड नहीं है। ओ मदर सुपीरियर, मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ अलाउड नहीं, but thank you so much मदर। टीना को जानती है, आप टीना को जानती है। जब तक वो गाएगी नहीं, वो जिएगी कैसे? हाँ, ओ सिस्टर एंजेलिना, यू लवली लवली गोल मटोल लड्डू पेड़ा, आपने तो अच्छा काम कर दिया। मैं सब कुछ हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कॉन्सर्ट? आप कॉन्सर्ट करेंगे? God, I can't believe this. मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। You mean to say विक्रमादित्य सिंह स्टेज पे गाएंगे? Yes. God, seriously, आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मेरे पास मजाक करने के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक, एक हफ्ते में मैं कॉन्सर्ट करना चाहूंगा। एक हफ्ते में? But विशाल, विशाल। Yes. एक हफ्ते में हम टीवी स्पॉट्स, प्रोमोस, प्रेसेस वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? No ma'am, no. बहुत मुश्किल है। एक हफ्ते में तो डिजाइन भी अप्रूव नहीं होगा। Oh no. विक्रमादित्य सिंह जी, हम ऐसा करें कि आप कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं किसी और म्यूजिक कंपनी के पास जाऊंगा। आई एम श्योर उनके लिए एक हफ्ते में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। बाय। रुकिए, ये कह रही है मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। या डोंट वरी, मैं ज्यादा लोगों को काम पे लगाऊंगा और पैसे डालूंगा, स्पॉन्सर्स तो हमें मिल ही जाएंगे। और आप तो कॉन्सर्ट्स करते ही कहां हैं? जिंदगी में पहली बार विक्रमादित्य सिंह स्टेज पे खड़ा होकर लोगों के सामने गाएगा,
ऐसा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये कॉन्सर्ट होगा ना? ऑफ कोर्स होगा। गेट रेडी टू रॉक एंड रोल। Where is this girl running? Careful, Tina! Tina, Tina! Arey! आज पूरे दिन आप नहीं आए। मुझे लगा आप उठी वापस चले गए। नहीं टीना, जिस काम के लिए मैं आया था, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम जितना भी गिला कर लो, गालियां दो, तंग हो जाओ, जब तक तुम गाओगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं गा सकती। मैं कभी नहीं गा सकती। क्यों, क्यों नहीं गाओगी? क्यों इस कदर संगीत को अपनी जिंदगी से निकालने पर तुली हुई हो? Because I hate it. इस संगीत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, जो भी मुझे अच्छा लगता था सब कुछ इस संगीत ने मुझसे छीन लिया। कुछ नहीं गैटी ना, कुछ नहीं, तुम गाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ एक गाना गा लो ना, एक गाना कॉन्सर्ट में मेरे साथ गाने के लिए राजी हो जाओ। नहीं, कभी नहीं। टीना, प्लीज। जो नफरत मैंने आपकी आंखों में रिकॉर्डिंग रूम में देखी उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। I made you look like a fool. I can't fail you again. I don't want to fail you again. मुझे फिर से नाकामयाब। नाकामयाब तुम नहीं, मैं था। मैं नाकामयाब था टीना। I failed you. मैं तुमसे जलता था, तुम्हारी हुनर से, तुम्हारी कला से मैं जलता था, तुमसे जलता था मैं। I was jealous of you. मुझे अपने छोटेपन से नफरत थी टीना, तुमसे नहीं। जो मैंने किया वो एक शिक्षक के लिए बड़ा पाप है। मैंने ही तुम्हारे दिल में एक चाह जगाई कि तुम सबसे बेहतर हो जाओ, लेकिन जब तुम मुझसे भी बेहतर हो, से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे अहंकार को यह स्वीकार नहीं हुआ कि विक्रमादित्य सिंह से कोई बड़ा हो सकता है, वो भी मेरा एक स्टूडेंट। मैंने बहुत बुरा किया टीना, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत करिए सर, अब क्या करें? तुमने अगर गाना छोड़ दिया ना ठीक है, तो मेरे लिए जिंदगी बेमतलब हो जाएगी, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए गाओ ना। मान गई, वो एक बार फिर से गाएगी। तुम यहाँ फौरन आ जाओ। निर्मल, अकबर, राजीव, मोना और कंचन को भी ले आना। अकीब को भी साथ ले आना। We're gonna have a great show! Welcome, welcome, a big welcome to all of you, ladies and gentlemen. आज की रात कोई मामूली रात नहीं है। जरा दिल थाम के बैठिए कि आपके सामने अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं संगीत की दुनिया के सुपरस्टार विक्रमादित्य सिंह अपने पहले म्यूजिकल लाइव कंसर्ट में। क्या मिल नहीं रहे? वो तो हेल्प यू मीन मिल नहीं रहे। पूजा जी, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने कितने सारे फोन किए, किसी को नहीं पता कि विक्रम जी कहाँ पे हैं। विशाल, तुम मुझे पिछले एक घंटे से कह रहे हो किसी दोस्त के यहाँ बैठ के वो चाय पी रहे हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है? पूजा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। What? पूजा जी, मुझे 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 डर लग रहा था कहीं आप मुझे नाराज ना हो जाएं। विशाल, Where is he? विक्रम जी कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लगा आप लोगों की बातचीत हो गई है विक्रम से।
मैं तो शाम से टीना के साथ बैठी हूँ। गॉड, आज की रात इसलिए भी स्पेशल है कि न सिर्फ यहाँ मौजूद आप लोग बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पर विक्रमादित्य सिंह के लाखों चाहने वाले, उनके लाखों फैंस, वो सब भी सुन पाएंगे उनके दिल को छू लेने वाले मधुर गीतों को। तो दोस्तों, अपने अपने रेडियो सेट के करीब आ जाइए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार हम पेश करने जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह के कॉन्सर्ट का सीधा प्रसारण। अकेले विक्रम के बिना। Hey, come on, दिव्या, be serious यार। हम किसी को भी उठा के ना स्टेज पर भेज दे। मैं अकेले नहीं गा सकती। पूजा, पूजा तुम्हें याद है ना, उस दिन तुमने स्कूल में उसे गाते हुए सुना था, कितना अच्छा गाती है। हाँ गाती है, पर रिकॉर्डिंग रूम से तो गाने के बीच में भाग कर चली गई थी। हाँ ऐसा किया तो लोग हमें पत्थर मारेंगे। पूजा देख मारेंगे अगर हम शो कैंसिल कर दे तो। ओह गॉड, आई एम सो, टीना तुम गाना गाओगी? हाँ हाँ गाएगी, जरूर गाना गाना पड़ेगा। सर हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, इसे गाना गाना ही पड़ेगा। यू हैव टू सिंग, ओके? यू आर गोइंग टू सिंग। आई मीन, हाउ कुड यू डू दिस टू अस यार? विशाल, अब उस आदमी को ढूंढो, तो मेरे लिए फाइंड हिम, कहाँ है वो? विक्रमादित्य सिंह की स्टूडेंट जीना मरिज सिल्वा भी गाएंगी, जिनको उन्होंने अपने म्यूजिक स्कूल में खुद संगीत सिखाया है। सो एवरीबॉडी लेट्स हियर इट फॉर जीना। जो तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपने आप से कहना कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। बोलो 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 बोलो, मैं सबसे बेहतर हूं। सबसे बेहतर हूं।
दिव्या, तुम कामयाब हो गए। मैंने रेडियो पर उसे सुना, शी वॉज ब्रिलियंट, सॉन्ग वॉज ब्रिलियंट। मेरी स्टूडेंट स्टार बन गई दिव्या। मैंने सोचा दिव्या है, आपने मेरा गाना सुना सर, मैंने सोचा आप चले गए थे और आपने गाना नहीं सुना था। यू आर आउटस्टैंडिंग, जैसा तुम गाती हो ऐसा कोई भी नहीं गा सकता। सर, सर इट वाज इनक्रेडिबल सर, लोग पागल हो गए सर, दे जस्ट लव मी। 5 मिनट तक सर खड़े रहकर लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। आई थॉट आई वाज द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। You know you're the best. Sir, अब हम बहुत सारे स्टेज शोज करेंगे सर, हम एल्बम्स में गाएंगे, कॉन्सर्ट्स में गाएंगे सर। हम नहीं, सिर्फ तुम। क्या? तुम्हारी एक मंजिल है जहां तुम्हें खुद अकेले जाना है। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा शानदार सा करियर है और मेरा ये स्कूल, मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स। लेकिन सर, आज मैं पहली बार समझाऊं टीचर होने का मतलब। मुझे अपने से जुदा मत कीजिए, प्लीज मुझे अपने से जुदा मत कीजिए। मेरा हर बोल, हर गाना मैंने सिर्फ आपके लिए गाया है। मेरे खुद का कुछ भी नहीं है। जितना मैं आपको चाहती हूँ उतना कभी किसी को नहीं चाहूंगी। जितना ऊंचा उठो, मैं तुम्हारी आवाज हर जगह सुन, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दिल के करीब हूं। पास जाओ, पीछे मत, सिर्फ आगे देख, जाओ प्लीज। You're simply the best.